हम इकोनॉमिकली भी आगे बढ़ गए, पर बाय हार्ट मुझे बताओ हेल्थ वाइज हमारा एप्रिसिएशन हो रहा है कि डिप्रिसिएशन हो रहा है? कॉमन सेंस क्या बोलता है सर? कॉमन सेंस ये बोलता है कि अगर आप हाईली एजुकेटेड है तो ये डिसीज फ्री लाइफ मिलनी चाहिए कि नहीं मिलनी चाहिए? मिलनी चाहिए, पर वो तो उल्टा रहा है। जितना दुनिया हम चांद पे पहुंच रहे हैं, मंगल पे पहुंच रहे, डिसीज तो उतने दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहे हैं। और इसके पीछे कई सारे रीजंस हैं, लॉट्स ऑफ रीजंस बिहाइंड दैट, बट द बेसिक रीजन इज कि हमें अच्छा पानी नहीं मिल पा रहा है। ठीक है, अब जब हमारे दादा परदादा थे तब ये म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का क्लोरीन का पानी नहीं मिलता था हमें, उन्हें नदियों का पानी मिलता था, हट्टे कट्टे थे। मेरे दादाजी एक अच्छे स्पीकर थे, जब वो उन्होंने दुनिया छोड़ी तब उनके दांत तब भी अच्छे थे, उनकी आंखें तब भी अच्छी थी। आज तो बच्चों को बचपन में कैविटी का प्रॉब्लम शुरू हो गया है, बराबर है? टीवी पे आप देखते हैं कि बच्चे को तुम धुन में जाओगे तो फिर उसको डेटॉल से नहला। बच्चों को मिट्टी नहीं मिल रही है, मिनरल्स नहीं मिल रहे हैं, तो लाइफ कभी हमारी स्ट्रांग हो ही नहीं सकती। आज मैं आप लोगों को इतना बोल सकता हूं कि आप मतलब जब मैं धनवंतरी के सारे प्रोडक्ट्स में देख रहा था ना, जब सर से मेरी मुलाकात हुई, शशि सर से मुलाकात हुई, प्रकाश सर से मुलाकात हुई, यार आप लोगों के पास तो सोना है सर, बताओ पर क्या ट्रेनिंग है आपके पास, क्या नॉलेज है आपके पास, क्या प्रोडक्ट है? पर वो होता है ना कि वो भैया उसका क्या, उसका शर्ट मिस्टर सबित कैसा, तो बस ये चक्कर में हमको पढ़ना नहीं है, क्योंकि आपके पास सब कुछ है। क्योंकि अभी जो मैं आगे बात करने वाला हूँ अपने प्रोडक्ट को लेकर, वो ऐसा है कि मैं अभी ये यकीन आपको दिला रहा हूं, आप ये बात गौर से सुन लीजिए दोस्तों, कि अब जब हम इस प्रोडक्ट को यूज करेंगे तो जिनके घर में कुछ भी नहीं है, मशीन भी नहीं है, वो भी आपका कस्टमर है। नहीं ताले तो और आगे बजाओगे यहां पर मुझे बहुत पड़ो, जिनके घर में आरओ है वो भी आपका कस्टमर है, जिनके घर में यूवी है वो भी आपका कस्टमर है, और फिर से बैक टू द बेसिक, जिनके घर में कुछ भी नहीं है वो भी आपका कस्टमर है। हम लोग स्विमिंग के लिए जाते हैं, अरे जाते कि नहीं, स्विमिंग किया कि नहीं? हाँ, ऐसे डाउटफुल प्रॉब्लम से मत देखो, ठीक है? स्विमिंग किया हम लोगों ने, तो स्विमिंग करने के पहले हम लोग क्या करते हैं, सिंपल सिंपल बात, पहले हम बात करते हैं, बात लेते हैं, फिर स्विमिंग करते हैं, फिर बात करते हैं। क्यों करते हैं ऐसे? ऑलरेडी पूल में जाके आया हो तो फिर से नहाया क्यों? क्लोरीन, ये क्लोरीन कांस्टेंट जो है ना, ये हमारे बॉडी को एब्जॉर्ब, बॉडी एब्जॉर्ब करते हैं, इसलिए हम क्लोरीन को निकालने के लिए हम नहाते हैं, बात लेते हैं। और वही क्लोरीन 30 साल से 40 साल से हमारे पेट में जा रहा है। ओके, समझ में आ रही बात? 30 साल से, अभी तो हम सिर्फ क्लोरीन की बात कर रहे हैं ना, 30 साल से 40 साल से हमारे पेट में जा रहा है। बैक टू द बेसिक, हमारे दादाजी की लाइफ देखो, हमारे पिताजी की लाइफ देखो, खुद की लाइफ देखो, किसी को पूछने की जरूरत नहीं है। ये क्लोरीन ने ना हमारी सारी हालत बिगाड़ दी है। कभी लोगों ने सोचा नहीं था कि म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के पानी में तो फ्लोराइड कैसे आ सकता है, वो तो बोर के पानी में आना चाहिए या कुएं के पानी में आना चाहिए। पर इसका मतलब अब वहां से भी जो पानी हमें मिल रहा है वो उतना अच्छा नहीं मिल रहा है। मतलब हम हमारे बच्चों को क्या दे रहे हैं? एक्चुअली हमने हमारे बच्चों को पैदा तो कर लिया भाई, पर उनको अच्छी लाइफ हम नहीं दे पा रहे, राइट? और वाटर प्लेइंग अ मेजर रोल। व्हाई वाटर? क्योंकि नेचर और हम एक जैसे हैं। अपने आप को मैं इतना आसान करके बता रहा हूं कि आपका कोई सवाल वैसे बचेगा ही, ठीक है? नेचर में क्या है? 72% वाटर है। बॉडी में क्या है? 72% वाटर है, राइट? और एक्चुअली पूरा कैलकुलेशन अगर करके देखा जाए तो ड्रिंकिंग वाटर सिर्फ 1% ही है, 3% वाटर ग्लेशियर्स में है, 1% जो है वो हमें ड्रिंकिंग के लिए है। और उस ड्रिंकिंग के पानी में नदियों में इंडस्ट्रियल पोल्यूशन है, एग्रीकल्चर पोल्यूशन, सारा पोल्यूशन हो रहा है। अब बचा कुचा जो है हम क्लोरीन क्लीनिंग सब कुछ डाल के हमारे घर में आ रहा है, उसमें पाइपलाइन लीकेज, ठीक है? तो आपको कई बार समझ में आता होगा कि पानी की बदबू आती है, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के पानी से बदबू आती है, कलर येलो कलर का पानी आता है, ये सारी चीजें होती है म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के पानी में भी। तो इसका मतलब है वहां पे, और पानी क्या करता है, अपने साथ डस्ट फ्लो करता है। याद रखिए, कभी भी याद रखो,
कभी भी गलती से यह सवाल मत पूछना कि हमारे मशीन मतलब जो फिल्टर होते हैं उसमें मिट्टी कैसे आती है। कोई भी पानी है वो अपने साथ मिनरल्स या डस्ट फ्लो करता है, ओके, अब उससे कलर बदल जाता है। तो पानी जो है ये इतने दूसरा सोर्स क्या है पानी का, कुएं का पानी। अब कुएं का पानी ऐसा है कि अगर आजू बाजू में अगर एग्रीकल्चर पोल्यूशन है, यूरिया का ज्यादा इस्तेमाल हो चुका है, ओके, तो अभी वो सारा जो है वो जमीन पानी के थ्रू हमें मिलता है। दूसरा बोर का पानी, राइट, बोर का पानी अलग अलग लेयर्स उसकी होती है, और बोर का पानी एक्चुअली मतलब कहीं पे सॉल्ट भी हो सकता है, पर ज्यादातर 95% बोर का पानी ये हार्ड वाटर ही होता है। अब पानी अच्छा आना जरूरी है ना, क्योंकि पानी हमारे बॉडी में ऑक्सीजन फ्लो करता है, राइट, पानी से ही हम बने, राइट, और इसलिए पानी ये प्लेइंग अ मेजर रोल इन अवर लाइफ स्टाइल, ठीक है। ये हमारे लाइफ स्टाइल में अगर पानी ठीक नहीं रहा तो सब गड़बड़ है। इसके पहले मैंने एक 8 लेयर वाला प्रोडक्ट तैयार किया था, ओके, यही सोच लेते कि क्या हो सकता है, क्या बेस्ट कर सकते हैं। अब ये 16 लेयर वाला प्रोडक्ट क्या करेगा, ध्यान से सुनिए, ये क्लीनिंग भी करेगा। ये क्या करेगा, क्लीनिंग भी करेगा। अरे आप बात करो यार मुझसे, ये क्लीनिंग भी करेगा, क्या करेगा, क्लीनिंग भी करेगा, ये प्यूरीफाई भी करेगा, क्या करेगा, प्यूरीफाई, और ये आपको हेल्थ बेनिफिट भी देगा, ठीक है, ये आपको हेल्थ बेनिफिट भी देगा। अगर ये पूरा कॉम्बिनेशन अगर आपको मार्केट में अगर जब जाते हो लेने के लिए, तो इसका कॉस्टिंग जाता है 70,000 से 1.5-2 लाख तक, ये कॉम्बिनेशन अगर आपको चाहिए तो, ठीक है, ये पूरा कॉम्बिनेशन आपको अपने आयोजन में मिल चुका है, वो भी मिनरल्स के साथ, सिरेमिक मिनरल्स के साथ। ध्यान दीजिए मैं क्या बोल रहा हूं, सिरेमिक। हमने कोई इलेक्ट्रिकल चार्ज करके पानी नहीं दे रहे किसी को, हम इलेक्ट्रिकल चार्ज करके पानी किसी को नहीं दे रहे, इट्स अ टोटली रॉन्ग सिस्टम। आज आपको ये आयोजन जो है ना, ये ऑलरेडी सारे वीआईपी लोगों के यहां पे लगा है, किसी के पास भी आयोनाइजर नहीं लगा है। ये पॉइंट नोट है, ये पॉइंट नोट करो, भारत के जितने भी मंत्री संतरी सारे लोग हैं, सारे वीआईपी गेस्ट हैं, उनके पास अपना आयोजन लगा हुआ है, ये पॉइंट लगा हुआ है, किसी के यहां पे आयोनाइजर नहीं लगा है, बिकॉज वो ह्यूमन हेल्थ के लिए ठीक ही नहीं है। गूगल से इंफॉर्मेशन लेना है, गूगल इज नॉट अ नॉलेज, हां ये बात याद रखिए, गूगल इज नॉट अ नॉलेज, वहां से सिर्फ इंफॉर्मेशन कलेक्ट करो और एक्सपर्ट से एडवाइस लो। गूगल से इंफॉर्मेशन लेके एक्सपर्ट के साथ बहस नहीं करना है, एक्सपर्ट बोले भाई चल जा तेरे को जो करना है कर, ठीक है। तो अब गूगल करो, उसमें भी लिखा है कि एज पर WHO नॉर्म 6.5 to 8.5, पर ये 6.5 क्यों लिखा गया है, ये 6.5 इसलिए लिखा गया, ऐसा जा सकते हो ना सर, ठीक है, 6.5 इसलिए लिखा गया क्योंकि अगर 7 pH तक का पानी अगर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन नहीं दे सकी तो एटलीस्ट 6.5 का भी मिलेगा तो भी चलेगा। हम एग्जैक्ट समझे, एग्जैक्ट समझे क्या दिया है वो, पर 6.5 दिया इसलिए 6.5 मिला तो भी क्या फर्क पड़ता है, ऐसा नहीं है वो भैया। आपको अच्छा नहीं मिल सकता फिर भी चला लो काम इस पे, ठीक है, जल्दी नहीं मरोगे धीरे धीरे मरोगे, नॉट इट, ऐसा है वो। तो 6.5 to 8.5 रेंज है, 7 के ऊपर मतलब अल्कलाइन, 7 के नीचे मतलब एसिडिक, 7 मतलब न्यूट्रल, मतलब ठीक ठाक पानी, ओके, ये मिल गया अच्छी बात है भैया, बहुत अच्छा भी मत दो बुरा भी मत, ठीक ठाक को दो, ठीक है। हम क्या बोलते हैं भैया, न्यूट्रल रहे, ठीक है, इधर का भी नहीं उधर का भी नहीं, तो एक 7 pH का पानी अगर हमें मिला तो इज गुड फॉर हेल्थ, ओके। पीएच स्केल जो होती है ना वो 1 से 14 होती है, 1 to 14, ओके। अभी 1 to 14 में क्या होता है, 7 न्यूट्रल, 7 के नीचे एसिडिक, 7 के ऊपर अल्कलाइन, पर अल्कलाइन का मतलब हम किसी को 10 pH का पानी रिकमेंड करेंगे, रॉन्ग, 7 to 8.5, इज इट क्लियर, 7 to 8.5। हमें WHO के नॉर्म्स पे काम करना है, अपना अलग से कोई नॉर्म नहीं बना है, ठीक है। दूसरी बात, आप सबसे मेरी रिक्वेस्ट है कि जो मैं बोल रहा हूं ना आप वैसा ही बताने की कोशिश करो। अगर मैं बोल रहा हूं कि ये कैंसर या एसिडिटी को रोकने के लिए हेल्प करता है तो आप ऐसा मत बोलो तेरा कैंसर ठीक हो जाएगा, गॉट इट, हाँ, क्योंकि हमें वही इंफॉर्मेशन, क्योंकि क्या होता है वो आदमी शराब भी पी रहा है, ठीक है, उसको टेंशन भी है, स्ट्रेस भी है, उसकी नींद भी नहीं हो रही है, तो बॉडी एसिडिक नेचर में कन्वर्ट होती है, ठीक है। अब हमारे शरीर का रेशो कैसा है, हमारे शरीर का रेशो होता है 80% अल्कलाइन 20% एसिडिक, ओके, 80% अल्कलाइन 20% एसिडिक।
अभी 20% एसिडिक का मतलब क्या दिया है? व्हाई 20% एसिडिक? मतलब अगर हम खाना खाते हैं, ध्यान से सुनिए, अगर हम खाना खा रहे हैं तो खाना खाने के बाद गटक 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 करके तुरंत पानी मत पीजिए, अदरवाइज जो एसिड डाइजेशन के लिए तैयार हुआ है वो काम करना बंद करेगा। कई लोग हम देखते हैं ना ऐसे कि जिनका लाइफस्टाइल परफेक्ट है वो 70 साल के एज में भी कैसे दिखते हैं, एकदम जबरदस्त। क्यों? क्योंकि ऑक्सीडेशन स्लो है और वो सेम ऑक्सीडेशन रिडक्शन पोटेंशियल को लो करने के लिए जो मिनरल्स तैयार करने हैं वो भी मिनरल्स अपने आयोजन में है, वो मिनरल्स भी अपने आयोजन में है। ठीक है, मतलब आपको क्लीनिंग मतलब क्लोरीन में निकल जाएगा, सारे इंप्यूरिटीज निकल जाएगी, मिनरल्स मिलेंगे, ठीक है, और ऑक्सीडेशन भी स्लो हो जाएगा। अल्कलाइन का मतलब सिर्फ पीएच नहीं होता, अल्कलाइन का मतलब होता है अगर लो ऑक्सीडेशन है तो भी, तो मतलब वो अल्कलाइन को फुलफिल करता है, मतलब एक्चुअल अल्कलाइन वाटर। ठीक है, पर हमारा सिर्फ अल्कलाइन है क्या? हमारा सिर्फ अल्कलाइन नहीं है, ये मैं कल बोला मैंने, ये उसका भी पाप है। ठीक है, अब अल्कलाइन तो ये ऐसे ही हो जाएगा, मतलब जैसे मैंने आपको टच किया नजर आ गया, या ऐसे टच करने के बाद अल्कलाइन हो जाएगा पानी। ठीक है, पर ये इसका भी आगे है, ये इसके भी आगे है कि आपको क्लीनिंग प्यूरिफिकेशन प्लस हेल्थ बेनिफिट, पूरे भारत में पूरे वर्ल्ड में अल्कलाइन कार्ट्रिज बेचे जाते हैं, अल्कलाइन कार्ट्रिज चाइना से इंपोर्ट करके बेचे जाते हैं। पर बड़ा दुख होता है मुझे आपको बताने के लिए कि उसमें जो मिनरल्स इस्तेमाल किए जाते हैं या जो कार्बन इस्तेमाल किया जाता है वो नारियल के पेड़ का इस्तेमाल नहीं किया जाता, जानवरों के हड्डियों से जो कार्बन तैयार होता है वो इसमें इस्तेमाल किया जाता है। और अपने अपन जो चीज इस्तेमाल कर रहे हैं वो चीज इतनी फाइन है कि मैक्सिमम प्रॉब्लम तो पहले लेयर पे ही सर खत्म हो जाते हैं। अब क्या है, अगर ये 16 लेयर है तो पहले पे खत्म हो गया, कुछ बचा इधर, कुछ बचा इधर, कुछ बचा इधर, ये फाइन होकर आपके यहां पे आ गया, राइट। इतना परफेक्ट तरीके से ये आपको पानी देता है, ज्यादा एसिडिक जैसे अच्छा नहीं है वैसे ज्यादा अल्कलाइन भी अच्छा नहीं है। ओके, ज्यादा अगर अल्कलाइन कॉन्स्टेंट अगर देना शुरू किया ना तो आगे चल के सेक्सुअल प्रॉब्लम बढ़ना शुरू हो जाएगा। नई जनरेशन को तैयार करने के लिए हम वीक जनरेशन तैयार करेंगे, तो हर चीज का बैलेंस होता है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? यस। हर चीज का बैलेंस होता है, तो इसीलिए इसको बैलेंस बनाया गया है। तो जब भी आप आयोजन लगाओगे आपके घर में तो इस क्या कर रहा है, जब भी आप लगाओगे तो पहले कुछ पानी इसमें से फ्लो करना है, एक 5-10 लीटर, मतलब कुछ काला पानी पहले बाहर आएगा, मतलब वो क्लियर होगा, देन रेडी टू यूज। ठीक है, कोई भी कंपनी हो हमें डेमो करना है कि भैया क्या हो रहा है, हम समझ तो ले, इतना सहज काम करना है, बहुत लोड लेना नहीं है, इतना ही सहज काम है। अब देखते हैं वाकई में इसका पीएच क्या है, क्या नहीं, अच्छा है नहीं है, समझ में आ जाएगा। यह पीएच सॉल्यूशन है, ओके, मर्क का है, इज बेस्ट क्वालिटी। ओके, लिखो एक 3-4 ड्रॉप हम डालते हैं, इसको पकड़ लीजिए। हे भगवान, अब अपने को पता लग गया, ये सब हम लाइव कर रहे हैं ना, सब कुछ आज पढ़े तो पीएच ऑफ दिस पीएच कलर के साथ मैच करो, 3-3-3, मतलब ये पानी पीने के बाद हड्डियों का कैल्शियम तो वैसे ही निकल जाएगा, एसिडिक वाटर। और हम बच्चों को क्या बोलते हैं, बेटा बॉटल वाटर, अच्छा पानी कौन सा? जर्नी में हम 1000 रुपए को पानी के ऊपर खर्च कर देते हैं, राइट। ये देखिए, आप कोल्ड ड्रिंक सर ओपन कीजिए, थोड़ा डाल दीजिए, अरे डालो यार, कुछ नहीं होगा, डालो डालो, एक ठीक है रख दो उसमें। कितना का है आपका पीएच मीटर? कितना? जीरो। भाई जल्दी जल्दी आओ मेरे साथ, फटाफट, कितना? जीरो नहीं, 1 और 2 है, ठीक है, 1 और 2। अब हम विस्की, ओके भाई, एक 4 ड्रॉप डालिए इसमें, 4 ड्रॉप डालिए,
ताकि सबको समझ में आ जाए। एक डालो डालो तीन चार ड्रॉप फटाफट फटाफट बस ओके भैया आइए चलो पीएच बताइए सर पीएच व्हाट इज द पीएच ऑफ 1 2 1 2 1 2 ये है आयोजियल कैप्सूल मल्टीफंक्शनल कैप्सूल फिल्टर कहीं पर भी कैरी कर सकते हो एकदम सिंपल स्लिम ट्रिम ओके कहीं पर भी फिट हो सकता है। इसको इस तरह से बनाया है कि आरओ मशीन में भी फिट हो जाएगा यूवी में फिट हो जाएगा डायरेक्ट नल को अटैच हो जाएगा ओके। इस किट में आपको फिटिंग का सारा मटेरियल भी दिया गया है और अगर ध्यान से अपने नल को देखो घर में जो नल लगा है उसको देखोगे और फिटिंग मटेरियल को देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि फिट कैसे करना है। इतना सिंपल है ये निकालो दादा कर मैडम एक मिनट इनको दे दीजिए। अब देखो डेमो कितना आसान है इसका ये कोई भी कर सकता है। हाँ अब क्या करेंगे एक ग्लास दीजिए वो एक ग्लास फर्स्ट अब देखिए ओके अब यही बॉटल का पानी जो था इज अ डेड वाटर ओके 3 pH अब हम इसी पानी को पास करेंगे सर इसी पानी को पास करेंगे चलो सर पास कर पाएंगे ओके दबाओ ठीक है कोई प्रॉब्लम नहीं जरूरत कोई हाथ नहीं ठीक है ओके उसको तुरंत फिट कर दो बराबर वही आदमी को बोलो। हाँ सर आइए चलो चार ड्रॉप चार भी डालिए एक ड्रॉप दो ड्रॉप डालिए चलो एक मिनट डेड वाटर को लाइव वाटर में कन्वर्ट कर दिया सीधा डेड वाटर को लाइव वाटर में कन्वर्ट कर दिया सर याद रखिए ये देखिए एक मिनट समझ में आ गया सर दूसरे में दो क्यों डाले पहले में चार ड्रॉप नाइस चार डालने की जरूरत नहीं आपको कलर तुरंत समझ में आ जाए इसलिए किया है और कुछ नहीं है ज्यादा उसके ऊपर एक्रो रॉकेट साइंस नहीं है ठीक है दो या चार ड्रॉप डाल सकते हो कोई प्रॉब्लम नहीं ओके ओके गॉट इट समझ में आया बोलिए एज पर लैब टेस्ट इसका जो पीएच है वो है 8.3 to 8.5 ओके इज इट क्लियर यस ओके मैडम आप देख पा रहे हो ओके ओके फटाफट देखो ब्लू दिख रहा है ना ये हमारा शरीर है जब आयुर्वेद का पानी इसके अंदर जाएगा तो देखिए हमारे शरीर में क्या फर्क हो सकता है ये फर्क देख के आपको समझ में आएगा ले लो बेटा यस यस ओके लगाओ अटैचमेंट एक मिनट अब जैसे ये शुरू करेगा ना सबकी नजर यहाँ पे रहने दीजिए ओके नीचे बैठो अब देखिए 1 2 3 स्टार्ट ओके एसिडिक बॉडी को न्यूट्रल कर रहा है अभी ओके ये है विस्की जो हमारे लीवर को खराब करती है ओके ये डैमेज करती है वेरी एसिडिक ओके अब देखिए डालिए सर सर मोबाइल पीछे लो बंद नहीं सुनिए इसका मतलब ये नहीं है कि कल चल के अपनी बिटू को बोलो कि आप टेंशन नहीं है भाई ओके इसका मतलब ये है कि एसिडिक बॉडी को भी ये न्यूट्रल कर सकता है लोग जल्दी जल्दी खुश हो जाते हैं फायदा है उधर राइट
अध्यक्ष होना यस सभापति पर ये कोल्ड ड्रिंक जो है ना ये कितना एसिडिक है आप देखिए वेरी डेंजरस कि कोल्ड ड्रिंक न्यूट्रल नहीं होता सर डालो पानी उसमें सर एक कोल्ड ड्रिंक न्यूट्रल हुआ क्या जहर है जहर जहर है क्या है विष है जहर है ये न्यूट्रल नहीं हुआ देखो एक मिनट जिंदगी में हम लोग मेहनत कर रहे हैं क्या कर रहे हैं मेहनत एक अच्छा खाना मिले अच्छे गेहूं चावल मिले हम अच्छे अच्छे दुकानों में जाके लेते लेते हैं कि नहीं लेते जिंदगी में मेहनत की अच्छा खाना खिला है डालो सब दूसरा जिंदगी में अच्छी सेहत मिले इसके लिए मेहनत कर रहे हैं जो भी बेस्ट है वो अपने परिवार को हम लोग दे रहे हैं हो गया ये डालो सर इसमें कितनी भी बाधा आए ठीक है फिर भी हमने हमारे परिवार को अच्छा संजोए रखने के लिए मेहनत किया अब मेरी तरफ दे दो पर हमने लाइफ में एक गलती कर दी माइक पकड़ेंगे सर मेरी आवाज आ रही है हमने लाइफ में एक गलती कर दी सब कुछ बेहतरीन खाने के बाद क्या किया एक कोल्ड ड्रिंक पी लिया एक कोल्ड ड्रिंक पीने के बाद हमारा शरीर का हालत क्या होता है देखिए तब आपको समझ में आ जाएगा कि आयुर्जल की आयुर्जल की जरूरत कितनी ज्यादा है जिंदगी भर मेहनत किया काम किया और फिर एक दिन दोस्तों का मिलकर कोल्ड ड्रिंक पी लिया देखिए शरीर की क्या हालत होती है अपनी यह बेहतरीन शरीर हो गया अभी अपना ओके न्यूट्रल शरीर क्या हो गया पूरा एसिड अब इसका पीएच नहीं देखना है ये यूरिन कलर हो गया एसिड ये पूरा एसिड बहुत बार सर लोग ये पूछते हैं मतलब मेरा एक्सपीरियंस है बहुत बार ना लोग पूछते हैं कि सर हम इतना अच्छा मेडिसिन इस्तेमाल करते हैं इतने अच्छे फूड सप्लीमेंट इस्तेमाल रिजल्ट क्यों नहीं आता होता है कि नहीं ऐसा कोई भी व्यक्ति ना कई सारी गलतियां ऐसे कर देती है कर देते हैं कि जिससे आपको रिजल्ट मिलेगा ही नहीं बस समझ में आ रही है मेरा अभी तक का एक्सपीरियंस है ना कि कई बार ऐसे हम ऐसी गलतियां कर देते हैं थैंक यू सो मच बस बैठ जाइए लास्ट में ये करूंगा अब ताली बजा सकते हो